माइक्रो प्रोसेसर का पर्पस होता है प्रोग्राम के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उनको एग्जीक्यूट करना। जैसे उसके अंदर ALU यूनिट होता है तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को एक एक करके क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर मैं उसी माइक्रो प्रोसेसर के साथ मेमोरी जिसके अंदर रैम एंड रोम आती है, टाइमर एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को अगर मैं एम्बेड करके एक ही चिप में डाल दूं तो ये सिंगल चिप बन जाती है माइक्रो कंट्रोलर, जो कि आपके घरों में जितने भी अप्लाइंसेज है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज है, चाहे आप फ्रिज की बात कर लो, एसी की बात कर लो, टीवी की बात कर लो, रिमोट्स की बात कर लो, सब जगह जो है वो माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जितने भी रिमोट्स, कैलकुलेटर, इन सब में माइक्रो कंट्रोलर चिप यूज की जाती है। अब यहां पे जो माइक्रो प्रोसेसर होता है बड़े लिमिटेड पावर का होता है, बहुत हाई एंड पावर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके जो जनरल पर्पस सिस्टम है जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, उनमें पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जाता है। लेकिन अगर इन सबको कंबाइन कर दो, माइक्रो कंट्रोलर।